आज चर्चा में है और विशेष रूप से अगर जशपुर की बात करें तो जशपुर में स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के अभी भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज की बात कई वर्षों से हो रही है लेकिन आज तक उसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। दूसरा एक बहुत गंभीर समस्या है कि जशपुर में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चों की दर संख्या है वो लगातार कम हो रही है। पहले 80 की संख्या थी, अब आकर के वो 32 में पहुँच गया। तो जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अधिक बच्चे हैं, तो वो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे और इसका लाभ जो है प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं। तो एक अच्छा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना यहाँ हो और सैनिक स्कूल जशपुर में होना चाहिए क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के लोग सेना में जाने का जो उनका हौसला है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन उचित माध्यम नहीं मिलने के कारण, उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी कई स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और ख़ास करके शिक्षा पर विचार करना चाहिए। पिछले 10 साल में जिस प्रकार मोदी सरकार जहाँ रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, वो विकास के बहुत काम हुआ है, जो जमीनी स्तर पर दिखा है वही विकास के आधार पर लोग चाहते हैं और सभी कुछ की सरकार दोबारा आए, तिबारा आए, यही तो है। कुछ लोग हैं जो मोदी सरकार को रिपीट करने की बात कह रहे हैं, विश्वास बढ़ा है उनका मोदी सरकार पर, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही है। विकास के कारण बीजेपी के प्रति ज़्यादा लोगों का झुकाव है, रुझान है, और आगे तो जो काम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी बने हैं, अब उम्मीद है कि जशपुर डेवलप करेगी। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो लोगों को उम्मीदें हैं कि जशपुर में विकास होगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो क्या मुद्दे होंगे जिनको आप सोच रहे हैं कि उन्हीं को देखकर आप वोट करें? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को हल करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को उपाय करना चाहिए जिससे लोग खुल के आएंगे और वोट करेंगे आगे। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? यूथ हैं आप, तो यूथ की क्या सोच है? आज भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर आने वाले समय में भारत के हर लोगों को अपनी क्रांतिकारी सोच को बदलने की ज़रूरत है और एक ऐसी सरकार को लाने की ज़रूरत है जिससे भारत की बढ़ती हुई बेरोजगारी ख़त्म हो और एक भारत की सोच को एक क्रांतिकारी सोच मिले और यहाँ भारत का कोई भी आदमी बेरोजगार और गरीब ना हो। गवर्नमेंट हमारे लिए जितना बेहतर कर सके उतना अच्छा है। बेरोजगारी जो अभी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराए, जो ये महंगाई जो बढ़ रही है वो कम करे, ये मेन मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है और जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसका मुद्दे को लेकर हम वोट देंगे। आप बताइए, अब इससे पहले आपने कभी वोट किया है? नहीं, मेरा फर्स्ट बार है। अच्छा, इस बार पहली बार वोट करेंगे जी। तो क्या सोचा है, किस पार्टी को करेंगे और क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए यूथ के लिए? हम देंगे बीजेपी को वोट, मोदी जी को वोट देंगे जी। मुद्दे क्या होंगे यूथ के लिए, क्या सोचते हैं? ये है कि 70 साल पहले कांग्रेस का जो सत्ता था उसमें से मात्र 2 एमसी बने थे और अभी मात्र 10 साल में ही यहाँ काफ़ी सारे बदलाव हुआ है, इसलिए हम बीजेपी का वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में मुद्दे प्रधानमंत्री आवास का चल रहा है सबसे ज़्यादा और अभी जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णु देसाई अपनी कमान संभाले मुख्यमंत्री के लिए 18 लाख आवास की घोषणा किए हैं और महतारी वंदना की घोषणा की, 2 माह का किस्त डला चुका है महिलाओं के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और इस बार महिलाएं उत्साह से नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, मुद्दे तो हैं, पूरी होने का पूरी चांस है और वैसे भी हमारे जिला को भारत माला सड़क की भी सौगात मिल रही है और उसका काम भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो चुका है, तो एक दृष्टि से हम इंतज़ार तो कर सकते हैं रेलवे के लिए क्योंकि उससे पूर्व हमें भारत माला सड़क की सौगात बहुत जल्द हमें मिलने वाली है और उम्मीद है कि रेलवे लाइन का भी विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, पिछले जो चुनाव हुई थी, दो बार के जो चुनाव हुई है, लोकसभा की चुनाव 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश की जनता बिल्कुल जिस प्रकार से सरहदों पर जो क्रियाकलाप हुआ करती थी पिछले पूर्ववर्ती सरकारों का, वो आज मोदी जी की सरकार होने के बाद में बॉर्डर पर कभी एक तो गोली की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो हमारी जशपुर जिला और रायगढ़ संसदीय सीट के जो मतदाता हैं वो सब बखूबी जान रहे हैं, सोशल मीडिया से सब जुड़ चुके हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सभी कोई लोग जान रहे हैं और जिस प्रकार से देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में, तो यहाँ की जनता मोदी जी के साथ जाएंगे, मोदी की गारंटी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरी निगाहें व्यापार के दृष्टिकोण से जाती है और व्यापार के साथ में रोजगार का भी जुड़ा हुआ है। जहाँ पूरा देश
सभी देशवासी रोजगार रोजगार कहते हैं, आज मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार को सिर्फ नौकरी की दृष्टि से नहीं देखा है, रोजगार के लिए उन्होंने लोगों को स्वरोजगार का रास्ता दिखाया है, कौशल विकास का रास्ता दिखाया है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके वह स्वरोजगार अपना रोजगार के रास्ते ढूंढ ले, ना कि सिर्फ नौकरी की वजह से वह बेरोजगार कहलाता रहे और सरकार के ऊपर बोझ बनता दिखे। विधानसभा में जो धान का मुद्दा था जिसे हमारे मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा किया, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का दिया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ से धान खरीदा गया, और लोकसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का 370-375, ये जो तत्कालिक मुद्दे थे जिसे मोदी जी ने ख़त्म किया, आतंकवाद को ख़त्म किया, नक्सलवाद पर लगाम लगाया, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, और देश में इतने एम्स हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पर मोदी जी ने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, जिसको देखते हुए हम सब मोदी जी एवं विष्णु जी के सुशासन को ध्यान में रखते हुए भाजपा को ही मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने वाले हैं और ऐसी क्या परेशानियां हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई इस क्षेत्र से? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे क्षेत्र विधानसभा पत्थलगांव में, वैसे तो यहाँ रोड की सबसे बड़ी समस्या रही है हमेशा से, हाँ, लेकिन ये है कि रोड का काम हो रहा है और भले ही थोड़ा धीरे हुआ लेकिन अब कंप्लीट होने की स्थिति में है। सड़क की बातें हो रही है कि सड़क की परेशानी है लोगों को, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जी, सड़क की परेशानी तो है ही, रेलवे भी नहीं है तो परिवहन के लिए कुछ तो चाहिए, चाहे रेलवे सुविधा या रोड, तो हम लोग को थोड़ी परेशानी तो रोड से हो रही है, तो हम चाहते हैं कि रोड का काम जल्दी होए और इससे जनता संतुष्ट होए। मुद्दे तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है, सबसे बड़ा तो राम मंदिर। पिछले कई वर्षों से जो है हम इस मंदिर के लिए प्रयास कर रहे थे कि बन जाए, मगर विपक्ष में जो थे वो कुछ ना कुछ जो है अड़चन डाल रहे थे, जिस वजह से मंदिर नहीं बन पा रहा था, और मोदी जी ने मंदिर का निर्माण करवाया और बनवाया, जिससे बहुत खुशी हुई। तो मैं तो अपना पर्सनली राय दूँ तो राम मंदिर मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे मैं बीजेपी को वोट करूँ। तो यहाँ पर मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, आप बताइए आपके लिए क्या फैक्टर है? यहाँ अभी तो कोई भी विशेष ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सभी जो भी फेवर में ही है सब बीजेपी के फेवर में है, मोदी के फेवर में है, और अभी छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लगता है कि 11 के 11 सीट पूरा बीजेपी को ही आया। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? राष्ट्रहित, राष्ट्र जागरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं मेरे लिए और वो मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या मुद्दे होंगे यहाँ पर? अब की बात 400 पार, मोदी है मुमकिन है, मुद्दा इस चुनाव में मोदी के सिवाय दूसरे को वोट मिलना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ठोकेगा। मैं ये सोचता हूँ कि जो डिफेंस का सेक्टर है, आत्म सुरक्षा